हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंगरी माइंड क्लासेस। आज हम 12 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि 11 नवंबर भारत का पहले शिक्षा मंत्री यानी कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मतिथि है, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने गुवाहाटी में किस पुस्तक के असमी संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। याद रखना, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट का बुक का विमोचन किसने किया? भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। अच्छा, आप सभी को रंजन गोगोई के बारे में पता होना चाहिए कि ये भारत के 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं और ये 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 17 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे 47वें नंबर के, वो कौन होंगे? SA बोबड़े। याद रखना, अब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? SA बोबड़े, जो भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है। अच्छा, ईरान की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ईरान की कैपिटल क्या है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। याद रखना, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान ईरान की कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? रियाल। याद रखना, ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। याद रखना, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। और ईरान की लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? पर्शियन। ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। अच्छा, मातृ मृत्यु दर आप सभी को पता होना चाहिए कि 2013 से अब तक 29.6% की कमी दर्ज की गई है इसमें। याद रखना, 29.6% की कमी दर्ज की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजन। याद रखना, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना, आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। अच्छा, इंडोनेशिया की बात आई है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। और इसके प्रेजिडेंट कौन है? इसके प्रेजिडेंट है जोको विडोडो। याद रखना, जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेजिडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 नवंबर को हर साल विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेड कप 2019 का खिताब किसने जीता है? फ्रांस ने फेड कप 2019 का खिताब जीता। अच्छा, इन्होंने फाइनल में किसे हराया? इन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। याद रखना, फाइनल में किसे हराया इन्होंने? फाइनल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया। और ये फ्रांस का 3रे नंबर का फेड कप का खिताब था। फ्रांस का 3रा खिताब था फेड कप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया में। याद रखना, ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक ग्रुप है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मैं एक बार नाम रिपीट करता हूँ, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं। अच्छा, जो 10वां ब्रिक्स सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था? वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखना, जो 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन था वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रवीण जुगनौथ दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशियस के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? प्रवीण जुगनौथ। अच्छा, मॉरिशियस की बात हो रही तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉरिशियस की कैपिटल क्या? पोर्ट लुइस। याद रखना, मॉरिशियस की कैपिटल क्या? पोर्ट लुइस मॉरिशियस की कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जनवरी 2020 में कहाँ होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाओस में 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 14वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अंगद वीर सिंह बाजवान ने 14वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने फूजो चाइना ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, केंटो मोमोटो ने फूजो चाइना ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। इन्होंने फाइनल में किसे हराया? इन्होंने फाइनल में हराया टीएन चैन को, याद रखना टीएन चैन को हराकर फूजो ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि भारत के किस पूर्व चुनाव आयुक्त का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, टीएन सेशन, याद रखना टीएन सेशन का हाल ही में निधन हो गया, ये भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे। तो ये थे हमारे 12 नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। थैंक यू।